हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मंडा मेंस एग्जामिनेशन से पहले दो बातें आपके साथ जरूर यहां पर करूंगा, जिसमें कुछ ना कुछ आपको जो इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन की, और ये जो आप मेंस देने जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डेज होने वाला है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपको टॉप करा देगी, लेकिन हाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आप अपने आप को एग्जामिनेशन में जब बैठा देखोगे तो वहां पर आपको रिकॉल करना है, और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहली चीज ये है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही ध्यान से आपको रीड करना है। हर एक क्वेश्चन को एक बार में ध्यान से रीड करके तब आप उसको सॉल्व करोगे। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में ट्रेस कर लेते हैं और हम गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, ताकि हमें वहां पर कोई भी नंबर भी नहीं मिल पाता। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पहले, चाहे एक बार में टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग के लिए आप बिल्कुल बिलीव मत करना। अगर जो बंदा निगेटिव मार्किंग कर रहा है, मतलब क्वेश्चन में गैस लगा रहा है अपने अटेम्प्ट इंक्रीज करने के लिए, तो उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट आप मानकर चले कि इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन शायद ही कहीं 10 लाख में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन बैंकिंग एग्जामिनेशन में आजकल ये चीजें नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस जिसमें एक दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो वहां पर तो चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन लगाए, 2 ठीक हो गए तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट्स अगर 80-85 हो रहे हैं और वहां पर आप 130 खींच रहे हो अटेम्प्ट, तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। और तीसरी चीज क्या है कि बी काम बी रिलैक्स। आज की रात प्रॉपर अच्छे से नींद लो और ये सोचो कि कल बिल्कुल फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में दही और चीनी खाकर जाना, थोड़ा माइंड अच्छा होगा अगर गला ठीक है, और फिर जाकर अपना एग्जामिनेशन भगवान जी को याद करके जरूर करना। बाकी हम लोग रिव्यू करेंगे। मेरा फोन नंबर है 8448169188। आप लोग एक बार एग्जाम देकर आना, तो अपने अटेम्प्ट और अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना। अभी मेरा नंबर सेव कर लो, 8448169188, ठीक है। और एनालिसिस के साथ पूरी बातें आपके साथ करेंगे, और बिल्कुल अच्छी नींद लो और कल एग्जामिनेशन देने जाओ, साथ में सारी चीज़ें रख लेना। एडमिट कार्ड के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, बस एडमिट कार्ड अपना प्लिंस वाला भी ले लेना, वो नहीं है तो FIR की कॉपी लेकर जाना, अपना जो ID प्रूफ है प्लस उसकी जेरोक्स है प्लस फोटोज है, तो जो पेन पेंसिल इरेजर शॉर्पनर ये जो चीज़ें आप साथ ले जाते हो, पानी की बॉटल वगैरह ये सब लेकर जाना है, स्टाम्प पैड वगैरह, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई लोगों, अच्छा एग्जाम देकर आओ, और ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। मैं चाहता हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, दिल से चाहता हूँ, और अगर आपने मेहनत की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, होगा जरूर। टफ फाइट होती है मेंस में, लेकिन सिलेक्शन उसी का ही होता है जिसने अच्छी तैयारी कर रखी होती है। तो कल के एग्जाम का हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे, और जो हमारे करंट अफेयर से आप लोगों ने तैयारी की है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। क्लेरिकल में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जो लोग क्लेरिकल के एग्जाम को देंगे, तो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करके आप उन कंटेंट्स को भी एक बार एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।